हाँ जी, हम डिस्कस करेंगे आज फंक्शनल फोरमैनशिप, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले हमने करा लाइन, लाइन एंड स्टाफ, और अब तीसरा आया आपका फंक्शनल। लाइन में आपका ध्यान से सुनना कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा था, स्पेशलाइजेशन नहीं था, मेन जो बात थी। स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ में यूनिटी ऑफ कमांड भी था, स्पेशलाइजेशन भी, दोनों चीज़ आ गई, लेकिन डिस्प्यूट्स वाली प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ओल्डेस्ट है लाइन, उसके बाद डेवलपमेंट हुई लाइन एंड स्टाफ, अब आ गया फंक्शनल। फंक्शनल क्या है? टेलर ने दिया फंक्शंस के बेसिस पर मैनेजर बना दो, छोटे छोटे लेवल पर जितने फंक्शन, जितने टाइप के फंक्शंस होंगे उतने टाइप के ही आपके मैनेजर होंगे। बिल्कुल स्मॉल लेवल पर आपने काम करना है, फैक्ट्री लेवल पे काम करना है, फैक्ट्री में जाके आपको वहाँ पर भी हेड बनाने हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने किया फुल्ली स्पेशलाइज बेसिस पे, हर चीज़ का स्पेशलाइज पर्सन होगा, किसी भी चीज़ का देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, जो प्लानिंग के रिगार्डिंग भी है और आपका प्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी। तो कैसे देखो, ये पूरा का पूरा इस प्रिंसिपल पर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि स्पेशलाइज होनी चाहिए हर चीज़। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन किस में होता है? फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पूरा जो एबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स है उसको फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर फैक्ट्री में मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, फैक्ट्री में, मतलब क्योंकि आपको पता है कि टेलर ने भी फैक्ट्री में काम किया था, तो उन्होंने उस तरीके की स्ट्रेटजी दी कि फैक्ट्री लेवल पे आपके हेड होने चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए। दो पार्ट में बांट दिया फैक्ट्री मैनेजर्स को, एक तो प्रोडक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स के रूप में और एक आपका प्रोडक्शन ऑफिसर। ये इनका काम है प्लान करना, इनकी प्लानिंग को इनका काम है इम्प्लीमेंट कराना इसके प्लान के अकॉर्डिंग। चार पर्सन आए प्लानिंग में, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ गए आपके स्टार्ट, प्लानिंग में कौन कौन से आते हैं। प्लानिंग में आपका सबसे पहले आया रूट कलर, एक बार नाम सुन लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। तीसरा है आपका टाइम एंड कॉस्ट कलर, और फोर्थ आया आपका डिसिप्लिन ऑफिसर। चार, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो प्लानिंग ऑफिसर, एक आपका प्रोडक्शन। प्लानिंग में चार आ गए, प्रोडक्शन में भी चार आ गए। प्लानिंग में चार कौन सा है? रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट, लास्ट वन इज द डिसिप्लिन ऑफिसर। चार हो याद करो। प्रोडक्शन में भी चार आ गए, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इतना समझो अभी एक बार, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इनका मीनिंग समझो। प्लानिंग में आ जाओ, प्लानिंग में सबसे पहले आया रूट कलर। रूट कलर का काम क्या है? रूट कलर का काम है कि आपका जो काम है किस रूट से होते हुए जाएगा, जिससे आपकी अननेसेसरी एक्टिविटी रिमूव किया जाए, क्योंकि इसने साइंटिफिक मेथड दिया था, तो इसने कहा कि किस रूट से जाएगा। अब इसका वैसे जनरल एग्जांपल देना समझना चाहो आप, तो रूट का मतलब है कि आपको दिल्ली जाना, तो आपके लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा रहेगा, जिसमें कॉस्ट भी कम आए, टाइम भी कम आए, आप मतलब बिल्कुल आप कन्वीनियंटली वहाँ पर पहुँच जाओ। तो इसी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस प्रोसेस से बनेगा, किस रूट से होकर बनेगा, सबसे पहले आ गया आपका ये काम किसका है, ये देखेगा रूट कलर। रूट कलर क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड पर्सन ही इन काम को करने में डेली करता रहता है ये। ठीक है, तो इसी ये हर एक प्रोडक्ट का रूट ये बनाएगा। ठीक है, रूट बना दिया, रूट बनाने के बाद इसका काम है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, कि किस का टाइम पर क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शन देना, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये होगा, ये होगा, ये प्लान करके रख देगा। ठीक है, तीसरा आएगा टाइम एंड कॉस्ट, भाई इस काम में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और फोर्थ आएगा क्या वो सारा काम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, डिसिप्लिन में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चार चीज़ें हो गई आपके पास। इधर आ जाओ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में इसका काम है गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब वर्कर्स टाइम से आ रहे हैं नहीं आ रहे, पूरा कहाँ पर कितने लोग अपॉइंट करते हैं, ये पूरा का पूरा काम इसका होता है। स्पीड बॉस, जिस स्पीड में इन्होंने डिसाइड कर रखा क्या उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पे भी कोई टूट फूट हो गई है उसको रिपेयर कराना है, वो काम है रिपेयर बॉस का, मतलब मेंटेनेंस का काम सिर्फ इसका है। ठीक है, और फिर फोर्थ आया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर काम है क्या उस क्वालिटी से, उस स्पीड से ये सारा काम हो रहा है इसका, इंस्पेक्टर का, क्या वो क्वालिटी आपके ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही। तो ये चार पार्ट आगे प्लानिंग में और दूसरा आपका प्रोडक्शन में। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा इसमें, है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है आपका। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के क्या आपका एक्सपर्ट है। ठीक है, उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है,
दो पार्ट में, जैसे एक वर्क को फैक्ट्री लेवल पे, एक प्लानिंग में, एक प्रोडक्शन में डिवाइड करता है। यूनिट ऑफ कमांड फुल हो गया या नहीं होगा, वो ही लेट क्यों? अब मान लो ये आपका हेड है, अब इसमें इसने लिख दिया प्रोडक्शन और इधर लिख दिया फैक्ट्री का, और इसमें फिर ये चार वो स्पेशलाइज है, इसकी बात कौन मानेगा? ये खुद ही अपने आप पे लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं, तो यूनिट ऑफ कमांड पूरी तरह वो लेट हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये इसको फॉलो नहीं करता, यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे। स्पेशलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एफडब्ल्यू टेलर के फंक्शन में। इमर्सन, जो आपने 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी पढ़ा, उसने क्या कहा कि आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेस पर लाइन एंड स्टाफ को अपॉइंट मतलब इंप्लीमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो होगा और स्पेशलाइजेशन। उसकी स्टेटमेंट, हमने अपनी तरफ से नहीं कहना, इमर्सन का नाम आए तो आप अप्लाई करवाए, अदरवाइज जैसा है वैसा चलता रहे। फंक्शनल में पता लग गया हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, चार चार वो है प्रोडक्शन के, प्लानिंग के, एंड लास्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड आपका फॉलो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कमेटी। कमेटी अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, अलग से नहीं बनता, मतलब किसी के साथ सपोर्ट में करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शनल लगा दिया, फंक्शनल के साथ डिफरेंट कमेटीज बना दी, बजट कमेटी बना दी, प्रोडक्शन कमेटी बना दी, परचेज कमेटी बना दी, तो कमेटी अपने आप में नहीं होता, बस एक कमेटी बना देते हैं, जैसे मार्केटिंग कमेटी, अलग अलग फाइनेंस कमेटी, तो इनको काम होता है एडवाइज करना, अकेले काम नहीं करता कभी भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आया आपका प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स, अभी दोनों हम साथ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, देखो आप ध्यान से। आपने ये पढ़ा था सीईओ, ठीक है, आपकी ना एक कंपनी है, उसका काम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, मतलब ये बिल्डर्स का, मतलब बिल्डिंग बिल्डर्स का ही है, ट्विन टावर बनाएंगे आप। ठीक है, तो आपका क्या है, ये आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इधर इधर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इधर आपका प्रोडक्शन, इधर आपका एचआर, और इधर आपका मान लिया आपने मार्केटिंग, ये चार डिपार्टमेंट आपने बना रखे हैं, है ना, चार डिपार्टमेंट है। ओके, इन पे मैनेजर भी होगा, मान लो ये मैनेजर ए है, ये मैनेजर बी है, इस पर ये सी है, और ये आपका डी, चार मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक, ओके, देखो बिल्डर्स का क्या है, आज यहाँ काम हो गया तो यहाँ करेंगे, यहाँ खत्म हो गया तो कहीं और कर लेंगे, ऐसे ही काम करेंगे ना वो। ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल्ली का प्रोजेक्ट, ये दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वन, मैंने पी वन लिखा है, प्रोजेक्ट वन दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है रोहतक में, प्रोजेक्ट नंबर टू, पी थ्री प्रोजेक्ट नंबर आपका ये चल रहा है मान लो पानीपत में। ठीक है, पी फोर प्रोजेक्ट चल रहा है हिसार में। ठीक है, अब मान लो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये काम बंद कर देंगे अपना, क्या करें, एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, और एक वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया तो और आ जाएगा, और खत्म हो गया तो और ऐड होता है, ऐसे होता रहता है ना प्रोजेक्ट में, मेरी बात समझे आप? आपको आपने जो आपके लिए प्रोजेक्ट क्या है, हम आपकी लाइफ का प्रोजेक्ट है, आपने टेंथ तक किया तो टेंथ अलग, आपने ये थोड़ी पढ़ाई छोड़ दी, आपने क्या किया, प्लस वन प्लस टू की वो अलग प्रोजेक्ट थे, फिर आपने ग्रेजुएशन की वो एक अलग प्रोजेक्ट थे, एम कॉम की वो एक प्रोजेक्ट है, नेट कर रहे हो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तो नहीं ना कि आपने पढ़ना छोड़ दिया, जॉब लग गए उसके बाद फिर और उसके लिए पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक हुआ दूसरा चला जाएगा, लेकिन आपने पढ़ना कहीं नहीं छोड़ा। ठीक है, तो देखिए मेरी बात, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आपका, मान लो यहाँ पर आपके कुछ पर्सन हैं, यहाँ पर आपके क्या है, कुछ पर्सन काम कर रहे हैं, इसके भी नीचे कुछ काम आदमी काम होंगे, प्रोडक्शन वाले इधर भी काम कर रहे होंगे और इधर भी काम कर रहे होंगे, है ना, काम कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर जब बात आई, ये जैसे इधर वाले, यहाँ पर भी कुछ लोग काम करते होंगे इस तरीके से, इसी के अंडर ना, इसी के दिल्ली प्रोजेक्ट के मैनेजर के अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन के भी लोग होंगे, एचआर के भी लोग होंगे, और मार्केटिंग के भी होंगे। इसी तरीके से रोहतक का केस आएगा तो भी आपका इस तरीके से बनता रहेगा। ठीक बात है ये, हाँ जी, इसी तरीके से आपका पानीपत का भी रहेगा,
इसी तरीके से आपका निशार का भी देगा। ये चार प्रोजेक्ट मैंने मान के चले अभी तक, ठीक है ओके। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर जो आपका पर्सन है, यहाँ पर जो लोग है, यहाँ पे भी लोग है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं सारे, मतलब फाइनेंस मैनेजर है यहाँ पर, इस पर्सन को ये भी ऑर्डर दे सकता है और ये भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है बात समझ में आ गई आपको, ये भी ऑर्डर दे सकता है, ये भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। पहली बात इतनी समझ गए आपकी, इसको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, इधर से भी इससे बात हो सकती है, इधर से बात हो, चार तरफ से बात हो सकती है, इसकी कम्युनिकेशन का जो लेवल है। एक क्वेश्चन ये आया, एक कंपनी में ये चार डिपार्टमेंट तो हमेशा ही रहेंगे, रहेंगे ना, हमेशा ही रहना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है चार, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होगा ये लोग ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये तो आपका पूरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा क्या आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स के रूप में बना है ना, पूरा मैट्रिक्स के रूप में क्रॉस क्रॉस बन रहा है, ये सब मैट्रिक्स बन गई ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट बना, ये वाला यहां से लेकर वहां तक, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो काम है, जो लोग काम कर रहे इसके अंदर, तो ये क्या हुआ आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, बात समझ में आई, ये क्या हुआ प्रोजेक्ट, और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हो गया, इतनी बात समझिए। जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पूरा का पूरा ये खत्म, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, हजार, दो हजार, ऐसे चलता रहेगा। बताओ परमानेंट कौन सा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज हमेशा परमानेंट है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, नेचर इसका क्या है, परमानेंट का, और ये क्या है आपका जो प्रोजेक्ट है, ये आपका क्या है, टेम्परेरी। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब एक एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये टेम्परेरी है, ये आपका परमानेंट है। दूसरी चीज ये बताओ, यूनिटी ऑफ कमांड किस में फॉलो हो रहा है और किस में नहीं हो रहा, मैट्रिक्स में हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो, हो रहा है, इस पर्सन को ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी दे रहा है, नहीं हो रहा, इधर भी इसको ये ऑर्डर दे रहा है, इधर ये भी दे रहा है, ये मतलब इसका मैनेजर भी दे रहा है, इसका भी दे रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा, हर जगह यही हाल है, इधर इसको यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से भी आएगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो आपका फॉलो नहीं हो रहा। अब ये मैंने देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन लिखी है ना बिल्कुल, और इसे डॉट डॉट लिखा, डॉट डॉट का मतलब ये टेम्परेरी है, इसका मतलब ये परमानेंट है हर एक के लिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड किस में फॉलो हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड मैट्रिक्स में तो हो नहीं रहा। अब बात आई प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में ये जो वर्कर्स है, ये प्रोजेक्ट में इसकी बात ही मानेंगे ना, इस प्रोजेक्ट रिलेटेड। अब ये ऑर्गेनाइज ऐसे ही चलेगा, उधर नहीं बात देखो, अब इधर ऐसे चल रहा है, इसकी बातें ऐसे चलती रहेगी। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड आपका फॉलो होगा, क्योंकि एक ही मैनेजर है। मैट्रिक्स में दो मैनेजर हो गए एक टाइम पर, तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड आपका फॉलो नहीं होता। लेकिन इसकी फिर वो बेस्ट मेरिट क्या है, क्विक कम्युनिकेशन, स्पीडली कम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों, ये पर्सन यहाँ चार आदमियों से कम्युनिकेट कर पाएगा, आगे कर पाएगा, आगे कर पाएगा, कैसे भी कम्युनिकेट कर ले, तो क्या होगा इसकी सबसे बड़ी वो क्या है कि इसमें स्पीडली कम्युनिकेशन हो जाता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपका परमानेंट होता है, प्रोजेक्ट आपके टेम्परेरी होता है, यूनिटी ऑफ कमांड मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता, टेम्परेरी इसमें प्रोजेक्ट में आपका हो रहा होता है। मैट्रिक्स की सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है इसमें कि क्विक कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में। अच्छा एक और बात आई, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है, आपके पास ना एक तो ये है, स्मॉल प्रोजेक्ट इन लार्ज नंबर्स, एक आपके पास आया लार्ज प्रोजेक्ट्स इन स्मॉल नंबर्स। इनमें ना एक में तो प्रोजेक्ट लग अच्छा रहता है, एक में आपका मैट्रिक्स अच्छा रहता है, बताओ किस में आपका
प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा रहेगा कि इसमें मैट्रिक्स रहेगा? शाबाश, बताइए। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया भाई आपको? हाँ, ये था कि प्रोजेक्ट तो लगेगा वहां पे जहां पर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कम है लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट लगाइए क्योंकि आपको रिसोर्सेज उसी में ज्यादा डिप्लॉय करने होंगे। जबकि आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप मैट्रिक्स लगाइए, इधर के रिसोर्सेज उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, तो वहां पर लगेगा आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों का है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता, प्रोजेक्ट में आपका होता है, और इसमें कम्युनिकेशन होता है ना वेरी क्विकली होता है, सुपर फास्ट लेवल होता है। इसके भी डिफरेंट नाम है, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कमांड सिस्टम, हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी चलता है ना ये, हॉरिजॉन्टल है, फंक्शनल कमांड सिस्टम, सारे इसी के नाम है। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल कहाँ है, इन केस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लगाइए जहाँ पर स्मॉल नंबर हो लार्ज प्रोजेक्ट के, और मैट्रिक्स लगेंगे जहाँ पर आपका क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, एक जो लॉरेंस ने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है चार चीज़ों से मिलकर बना है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मैट्रिक्स का सिस्टम कैसा है, मैट्रिक्स का कल्चर और मैट्रिक्स का बिहेवियर। कल्चर और बिहेवियर जैसे कि शेयरिंग का नेचर है या नहीं है, हेल्प करते हैं या नहीं करते, तो इन चीज़ों से इसकी सक्सेस पे डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने जो पढ़े हैं अभी तक। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की आप ये देखिए कि वो क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा कि यूनिट ऑफ कमांड फॉलो होता है और मैट्रिक्स में आपका नहीं होता। मैं ये बार बार यूनिट ऑफ कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी कहीं जा सकते हो आप। ठीक है, परमानेंट होता है आपका मैट्रिक्स, कंट्रोल करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट को, बिल्कुल करता है ना, परमानेंट वाला पार्ट था डिफरेंट प्रोजेक्ट के उसमें कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पावरफुल सोर्स है, मल्टीपल कमांड सिस्टम है। ठीक है, ओके, डीमेरिट का सबसे बड़ी भाई वोलेट करता है इसको, किसको, यूनिटी ऑफ कमांड को, कन्फ्यूजन करता है एम्प्लॉइज को कि किसकी बात को प्रेफरेंस दे। ठीक है, हेट्रोजेनिटी को प्रमोट करता है, स्ट्रगल रहता है पावर का, प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि मैं, मेरी बात मानी जाए, वो कहता है मेरी बात मानी जाए। तो ये था आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है।